हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोग जितने भी वीडियो हैं उनको तैयार कर रहे होंगे। यहाँ मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेसिक जिनका छूट जाता है, जिनका बेसिक नहीं तैयार है, या जिनको बेसिक नहीं आती है, या जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ में नहीं आती है कि आगे के प्रश्नों क्वेश्चंस में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ऐसे बच्चों को सहारा देने के लिए, मजबूत करने के लिए ये जो बेसिक वीडियोस हैं हम लोग बना रहे हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम डिवीजन यानी भाग में इस्तेमाल होने वाले कुछ वर्ड्स जो उसके साथ होते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं, आगे उन वर्ड्स को हम देखेंगे। आप इसको अच्छे से तैयार करिए और आगे की वीडियो जो इन सारे सिंबल्स के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, तो उसमें जब हम इंग्लिश बोलें इन वर्डों को तो आप उसे आसानी से समझ सकें। आइए बच्चों, देखते हैं डिवीजन। डिवीजन का जो निशान होता है वो वन हॉरिजॉन्टल लाइन, एक निश्चित नाप की छोटी हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर और नीचे दो बिंदी, इसे कहते हैं डिवीजन। सिंबल होता है ये डिवीजन का, टी आई वी आई एस आई ओ एन, डिवीजन। भाग, कुछ दो चार शब्द और जो इस्तेमाल होते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी जो लिखित क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में, डिवाइड, डी आई वी आई डी ई, भाग, इसका भी होता है भाग या खंड करना, और वर्ड्स का इस्तेमाल होता है डिविडेंड, डिविडेंड, डी आई वी आई डी ई एन डी, इसे कहते हैं भाज्य या वो संख्या जिसमें भाग देना होता है या भाग देने वाली संख्या। डिवाइजर, डी आई वी आई एस ओ आर, डिवाइजर, इसे इसका हिंदी रूप होता है भाजक या जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। क्वोशंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, क्वोशंट, इसको लिखते ऐसे हैं आधा क व ओ को मात्रा बड़ा श आधा न ट, क्वोशंट, भागफल।
भागफल यानी जो भाग देने के बाद आंसर होता है उसे क्वोशंट कहते हैं, यानी भाग। कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे गोस, जी ओ ई एस, गोस टू, गोस टू, इसका अर्थ होता है जाता है। डिवीजन के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है इसका। बच्चों आज हम लोगों ने डिवीजन में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों वर्ड्स को देखा, आप इन्हें अच्छे से तैयार करिए। बच्चों कई लोगों ने हमसे पूछा ब्लैक बोर्ड पर लिखने से क्या फायदा, वीडियोस तो ऐसे हैं जो बगल में दिखता है और बोलते जाते हैं, और जब अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है या बोर्ड पर लिखता है तो स्टूडेंट उसको देख के उसी तरह लिखना भी सीखता है। जो बोर्ड पे लिखने का सबसे बड़ा फायदा होता है वो बच्चों को ही होता है, तो आप लोग इसको देख के लिखिए और अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।